जय मित्र दोस्तों, देखिए आज मेरे पास मॉडल पेपर है 2024 का, समझे, अकाउंट का मॉडल पेपर है। इसमें आपको इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इस बार आने वाला है, हार्ड होगा या हौला होगा, मतलब इस सब टाइप का पता चल जाएगा। पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे, सब्जेक्टिव तो नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव सारा का सारा इसमें हम कंप्लीट अप करवा देंगे। ठीक, देखिए सब्जेक्ट कोड 220 है, जो आप लोग का अकाउंट का होता है सब्जेक्ट कोड, है ना, 220 वही है, 100 मार्क्स का। देखिए ये सब तो पढ़ने पढ़ा नहीं जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कि इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू प्राइज फंड इज शोन इन, मतलब क्या हो गया, पुरस्कार कोष से संबंधित आय और व्यय को दिखाया जाता है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू प्राइज फंड से रिलेटेड जो रहता है उसको कहाँ दिखाया जाता है। प्राइज फंड है, फंड हमारा लाइबिलिटी होता है, याद रखिएगा, फंड क्या हो गया हमारा, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी कहाँ का दिखाया जाता है, एक हो गया कि रेवेन्यू बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्यों, क्योंकि वो फंड है, फंड हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी। दूसरा हम देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखता है आपको, रेवेन्यू नेचर का दिखता है, ठीक, उसमें रेवेन्यू नेचर का दिखता है, कैपिटल नेचर का नहीं दिखता है। कैपिटल नेचर कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में। तीन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इसमें से इनकम कौन नहीं है, जब भी फंड आएगा ना तो फंड समझिए वो इनकम नहीं है, क्योंकि क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी होता है, ठीक, इंडोमेंट फंड है। चार में देखिए, इन द नेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब क्या, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, इनकम कम है तो क्या हो जाएगा आपको, डेफिसिट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेफिसिट। ठीक, फिर देखिए आपको पांच में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं है, देख लीजिए, तो मारुति उद्योग जो है ना, इसका मकसद कमाना है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फॉर एनपीओ में नहीं आएगा। ठीक, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर शोन इन, मतलब क्या, सभी आयगत प्राप्ति की सभी मदें दिखाई देते, मतलब क्या, रेवेन्यू नेचर का कहाँ पे दिखता है, सब कुछ आपको, इस वजह से नन ऑफ डीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ डीज हो जाएगा, बोलिए क्यों, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा, मतलब क्या, आयगत प्राप्ति की सभी मदें कहाँ दिखाई जाती है, तो आय और व्यय खाता में। ठीक, रेवेन्यू नेचर का हो गया, और जबकि कैपिटल नेचर कहाँ कहाँ दिखाई देता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस, मतलब क्या, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे तो कहाँ पे दिखाया जाएगा आपको, तो लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा, क्या होता है वो, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। ठीक, एनपीओ के लिए क्या रहता है, लाइबिलिटी। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, मतलब क्या, आय एवं व्यय खाता का शेष दर्शाता है, आय और व्यय खाता का शेष रहता है उसमें क्या क्या रहता है आपको, या तो सरप्लस रहेगा या तो डेफिसिट, मतलब अधिशेष रहेगा या कमी रहेगा, ठीक, डी हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मतलब कि आय और व्यय खाता बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा। दस में देखिए, और रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, मतलब सब पूंजीगत प्राप्ति की सभी सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, मतलब पूंजीगत प्रकृति की जरूरत है, सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, कहाँ पे दिखाई जाता है, पूंजीगत प्राप्ति की, तो आपको बैलेंस शीट में दिखता है, कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट। डोनेशन रिसिप्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मान लीजिए कि कोई संस्था द्वारा प्राप्त चंदा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, बार बार मिलेगा इसलिए। ठीक, चंदा मिलता है बार बार, लगेसी मिलता है एक बार, वसीयत मिलता है एक बार। ठीक, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क, मतलब क्या, लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ड बाय ए क्लब, लाइफ मेंबरशिप जिंदगी में एक बार दिया जाता है तो किस टाइप का रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है, क्या हो जाएगा हमारा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। ठीक, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड, मतलब क्या, एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, एसेट्स में से लाइबिलिटी कम हो जाएगा, सॉरी, एसेट्स में से लाइबिलिटी कम होता है क्या हो जाता है, हमारा कैपिटल फंड निकलता है, एसेट्स में से
ये हटा दीजिए लायबिलिटी, एनपीओ में तो क्या हो जाए, बन जाता है हमारा कैपिटल फंड बन जाता है, कैपिटल नहीं कैपिटल फंड बन जाता है, क्या बन जाता है आपको, कैपिटल फंड हो जाता है। 13 नंबर हो गया मतलब क्या, पूंजी निधि बन जाता है, क्या बन जाता है, पूंजी निधि। 14 नंबर देखिए, विच वन इज नॉट अ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, साझेदारी की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी, एग्रीमेंट सब तो रहता है, कोई देखिए समझौता रहता है, लाभ विभाजन रहता है, दो से अधिक व्यक्ति रहता है, लेकिन सीमित दायित्व तो नहीं रहता उसमें, कि मतलब मान लीजिए कि कंपनी में सीमित दायित्व तो रहता है लेकिन पार्टनरशिप में असीमित रहता है। अगर आप पे केस कर दिया या फिर आप कुछ मतलब मान लीजिए लोन लिए हैं तो आपको घर बेच के भी देना पड़ेगा, अर्थात क्या उसका है, असीमित दायित्व है। ठीक, 15 में किसी समझौते के अभाव में, मतलब कि पार्टनरशिप डीड ना हो तब लाभ हानि को कैसे बांटा जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, तो बराबर बराबर हिस्से में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर हिस्से में बांटते हैं। ठीक, फिर देखिए आपको वही बात हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, मतलब क्या लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब लाभ हानि नियोजन कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है उसको, तो क्यों बनाया जाता है, कि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो किस पार्टनर को कितना मिलेगा वो किस में दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर इज, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, साझेदारों के द्वारा मतलब कि पार्टनर देगा अपने फर्म को पैसा। ठीक, तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, वो एक तरह का क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, विनियोजन हो जाएगा, क्या कि उसके अकाउंट में से काट लेगा, कैपिटल में से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक, ये हो जाएगा एन एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। चालू खाता है करेंट अकाउंट इज, मतलब चालू खाता क्या होता है, बताइए चालू खाता क्या होता है, तो चालू खाता क्या होता है, चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट होता है, किसी का करेंट अकाउंट बनना मतलब क्या, उसका भी पर्सनल अकाउंट है तो व्यक्तिगत खाता होता है। 19 में देखें, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर, साझेदार रो का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। मतलब क्या हो गया, करंट अकाउंट कब बनता है, जब हमारा फिक्स्ड बेसिस पे हो मतलब स्थायी आधार पर हो, दो अकाउंट बनता है, बोले कौन कौन सा अकाउंट बनता है, अगर फिक्स्ड रहेगा हमारा कैपिटल तो पूंजी, अगर स्थिर रहेगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट बनेगा एक कैपिटल अकाउंट, दो को अकाउंट बनता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ना हो मतलब साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, मतलब मान लीजिए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है हमारा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा, 50 रहेगा और कितना रहेगा, मिनिमम 2। ठीक, एक सामान्य साझेदार के लिए कितना चाहिए, अधिकतम आदमी संख्या 50। निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, एडजस्टमेंट है, देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कौन है इसमें से, तो आपको कौन सा हो जाएगा प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट मतलब साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे किया जाता है, एवरेज टाइप से क्या देता है, मतलब मान लीजिए कि आप एक साल में, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एक साल में मान लीजिए कि 12 दिन आप रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक साल मान लीजिए 6 महीना आपका बिजनेस चला, तो 6 महीना आपका क्या हो जाएगा, 6/12 करके हम निकाल देते हैं। ठीक, 24 में देखिए, इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, मतलब क्या, साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस किसे होता है, एज पर एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट रहता है उस हिसाब से रहता है क्या, ये हो जाए एज पर एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर देखिए, गुडविल इज एन एसेट, गुडविल कौन सा है, मतलब ख्याति एक संपत्ति है क्या, कौन सा, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। 25 तक बता दिए हैं, फिर देखिए आपको इसी तरह से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको।
इसका पीडीएफ हम आपको कहाँ दे देंगे, टेलीग्राम पे दे देंगे, और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करिए। आपको इसका 100 के 100 ऑब्जेक्टिव पहले बना लीजिए, उसमें से आप टिकआउट करिएगा कितना सही हुआ, कितना पानी में है, कितना बना सकते, वो आपको पता चल जाएगा। एक महीना मुश्किल से भी एग्जाम का नहीं है, देख लीजिए 100 तक बनाना है इसका। जो है ना आपको कॉमन सी बात है कि सब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो 30 में से सिर्फ 15 का जवाब देना है तो बन जाएगा। इसमें लॉन्ग आंसर में क्या रहता है, आपको 4 गो प्रैक्टिकल रहता है, 4 गो कौन सा रहता है, थ्योरिटिकल रहता है। प्रैक्टिकल भी 4 गो पूछता है, 4 गो थ्योरिटिकल, जिसमें से 8 गो रहता है जिसमें बनाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 गो। देख लीजिए आप प्रैक्टिकल बनाइएगा कि कौन सा। चलिए, थैंक यू सो मच।